भाकपा अंचल परिषद कोडरमा के द्वारा मंगलवार को कोडरमा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के पूर्व टाकिस से जुलूस निकाला गया व जुलूस में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, कोडरमा सीईओ वीडियो होश में आओ, कोडरमा सीईओ रिश्वत लेना बंद करो, कोडरमा अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी मनीष कुमार को अविलंब निलंबित करना होगा समेत लाल झंडा जिंदाबाद नारे लगाए जा रहे थे। इस दौरान झुमरी तिलैया के विभिन्न मार्ग होते हुए कोडरमा प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन में तब्दील हुआ। धरने को संबोधित करते हुए भाकपा राज्य मंत्री महेंद्र पाठक ने कहा कि कोडरमा जिले में डिबरा एवं ब्लूस्टोन चुनने का काम वर्षों से चल रहा है जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता रहा है। डिबरा एवं ब्लूस्टोन चुनकर हजारों परिवार अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं लेकिन अचानक खदान को बंद कराना एक बड़ी साजिश है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोडरमा कल की कार्रवाई की निंदा करती है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहा था डिबरा एवं ब्लूस्टोन चुनना कोई अवैध नहीं है, इसे वैधानिक किया जाएगा। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य महादेव राम ने कहा कि कोडरमा अंचल में कुछ केवाला रद्द किया जाता है, कुछ दिन के बाद रद्द किया हुआ केवाला स्वीकृत किया जाता है। जमीन ऑनलाइन करने में प्लॉट चढ़ाने में भयंकर अंधेर गर्दी कर दिया गया है। एक ही प्लॉट, एक ही खाता, एक ही मौजा, एक ही थाना नंबर को दो लोगों के नाम से रसीद कट रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। कोडरमा ब्लॉक में मनरेगा की योजनाओं के अंतर्गत डोभा निर्माण में जेसीबी से काम किया जा रहा है, मजदूरों की मजदूरी मारी जा रही है। कोडरमा वीडियो के खिलाफ जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन तेज करेगी। कोडरमा वीडियो एवं सीईओ अपनी जेब भरने में तुली हुई है, झारखंड सरकार आम जनता को गुमराह करना बंद करे। वहीं श्री रजक ने कहा कि कोडरमा अंचल अधिकारी अनिल कुमार जब से कोडरमा अंचल में पदस्थापित हुए हैं दलालों के लोग मिलकर दाखिल खारिज जमीन ऑनलाइन खाता एवं प्लॉट नंबर चढ़ाने में मोटी रकम लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जोहार यात्रा के दौरान सभी सभाओं में कहते हैं जो झारखंड की बात करेगा वो झारखंड में राज करेगा, ठीक उसी नाक के नीचे झारखंड में रहने वाले लोगों के साथ झारखंड सरकार के आला अधिकारी झारखंडियों के साथ शोषण एवं दोहन कर रही है। धरने के पश्चात धरना संचालित कर रहे महेश सिंह ने सीईओ वीडियो से आग्रह किया कि स्मारक पत्र आम जनता के लिए धरना स्थल पर ले ले और जनता को कुछ आश्वासन दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट को स्मारक पत्र देकर कोडरमा उपायुक्त से वार्ता करने का फैसला लिया है, साथ ही ब्लॉक एवं अचूक अंधेरे गर्दी को आम जनता के बीच ले जाने का फैसला किया। यह आंदोलन जनता के दरबार में ले जाने का फैसला लिया गया। धरना को सीपीआई जिला कार्यकारिणी सदस्य पुरुषोत्तम यादव, अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार रजक, जिला सचिव कयूमुद्दीन, अंचल मंत्री धनंजय यादव, अंचल मंत्री सच्चिदानंद पांडे समेत दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। Thank you.
दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का